सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोल्डर या फिर किसी फाइल को हम कैसे लॉक करेंगे। तो इसको लॉक करने के लिए हम एक टूल का यूज़ करेंगे। इस टूल का नाम है 7zip। 7zip यूज़ करेंगे। 7zip जब गूगल मैप सर्च करेंगे तो आप किसके पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर विनरार भी यूज़ कर सकता हूँ, बट उसमें लाइसेंस का थोड़ा लफड़ा रहता है। बट 7zip इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर विथ ओपन सोर्स, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सिंपली यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे आप। डाउनलोड होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये 1.5-2 MB का सॉफ्टवेयर होता है। सिंपली इसको ओपन करेंगे, यस करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको आप क्लोज़ कर लेंगे। वापस से हम आपको अभी दिखाएंगे कि मैं एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर मेरा एक इमेजेस है, जो कि इस फोल्डर को हम अभी लॉक करेंगे और साथ साथ इस इमेज को भी लॉक करके आपको हम दिखाएंगे। तो पहले हम अपने इस फोल्डर को लॉक करते हैं। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक और यहाँ पे देखोगे 7zip का ऑप्शन है, उसके सामने ऐड टू आर्काइव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर में मेरा लोकेशन डाल रखा है कि ये लॉक होने के बाद कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे डी ड्राइव न्यू फोल्डर में है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। आर्काइव फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे चार टाइप का फॉर्मेट, टार, विम, जिप और 7z। मैं बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ। कंप्रेशन लेवल, कंप्रेशन लेवल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। देखो मेरा यह पर्पज़ यहाँ पे इसको लॉक करना है, कंप्रेस करना नहीं। अगर बहुत बड़ा फाइल है आपके सिस्टम का तो आप कंप्रेस भी यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए अल्ट्रा कंप्रेस आप करोगे। अल्ट्रा कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, सीपीयू का कोर, सीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा इसको डीकंप्रेस करने में। क्योंकि अगर बार बार इस फोल्डर को आप यूज़ करते हो, बार बार यूज़ में लोगे तो क्या होगा कि कंप्रेस डीकंप्रेस करने में आपका सीपीयू ज़्यादा यूज होगा, हो सकता है स्लो भी हो जाए। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पे बार बार हम इसको खोलेंगे, लॉक करें, खोलेंगे, अनलॉक करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली हम यहाँ पे इसको ज़ीरो स्टोर ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पे आप नीचे पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ अपना। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका पासवर्ड है वो सेट कर दें, और ध्यान रहे कि इस पासवर्ड को आप भूलें नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखोगे कि एक नया फोल्डर बन के आ गया है जो कि लॉक है। अब ये फोल्डर का मुझे कोई काम नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखो कि जो फाइल है मैंने उसको लॉक कर दिया है। ये कैसे पता चले, अब ये फोल्डर लॉक हो चुका है। इसको जब हम ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, 7zip ओपन आर्काइव करेंगे, ओपन आर्काइव करना फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे और इमेज को व्यू करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ से हमको पासवर्ड मांगेगा। मैं एक बार रॉन्ग पासवर्ड मार के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे कि CRC फेल, रॉन्ग पासवर्ड का एक मैसेज आ जाता है क्योंकि मैंने पासवर्ड रॉन्ग डाला है। अभी हम यहाँ पे पासवर्ड सही डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके केस में जो है आपका वो डाल लो। डालने के बाद देखो कि वो इमेजेस जो है सामने खुल के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये फोल्डर अब लॉक हो चुका है। और अब हम आपको फाइल लॉक करके दिखाएंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे इसके अंदर, ऐड टू आर्काइव, वापस से ज़ीरो स्टोर ही रहने देंगे। यहाँ फिर से पासवर्ड सेट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, हम जो भी आप सेट करना चाहो, लेकिन ध्यान रहे कि पासवर्ड आप भूलना मत। ओके करोगे, अब देखोगे कि IMG नाम का भी एक जिप बन के आ चुका है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब भी मैं इसको देखने जाऊँ तो राइट क्लिक करूँगा, 7zip करूँगा, ओपन आर्काइव करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो वापस से मेरे को यहाँ से पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जैसे ही डालूँगा मेरा वो इमेज मेरे सामने खुल के आ जाएगा। तो बेसिकली अभी हमने सीखा कि एक फोल्डर को या किसी एक फाइल को हम लॉक कैसे करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।